तो सेक्शन 5 को ही बोलते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है पीटी के अंदर कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले किस सेक्शन में है, तो आपको सेक्शन 5 टिक करके आना है। लेकिन सेक्शन 5 जो है उसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। देखो किस किस चीज पर लग रहा है पहले तो वो बता रहा है, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन। इसलिए बता रहा है ये कि सेक्शन 5 जो है वो किस पर लगेगा, अपील और एनी एप्लीकेशन पर, ठीक है। अब उन एप्लीकेशंस पर नहीं लगेगा जो ऑर्डर 21, ये 21 है, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी में दे रखा है। तो ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी क्या है, हमारा एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, ऑर्डर 21 सीपीसी, ये है हमारा एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। तो एक चीज तो सेक्शन 5 एक्सप्रेसली बता रहा है कि सेक्शन 5 इस पर नहीं लगेगा, एग्जीक्यूशन पर नहीं लगेगा, ठीक है। ये पहली चीज हो गई जो हमें सेक्शन 5 बता रहा है। और दूसरी चीज वो इम्प्लाइडली बता रहा है, चुपचाप से बता रहा है कि किस पर नहीं लगेगा। इम्प्लाइडली बता रहा है कि किस पर नहीं लगेगा, वो है सूट। ऊपर क्या बोला उसने, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो जो एप्लीकेशन है, देखो अपील पर तो लग गया, बोल दिया कि अपील पर लगेगा। एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन का मतलब है कि अगर आपको रिवीजन फाइल करनी है, ठीक है, रिवीजन फाइल कर दो आप, आपको रिव्यू फाइल करना है तो आप रिव्यू फाइल कर दो, आपको कोई और एनी सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन फाइल करनी है वो आप फाइल कर दो, सबके ऊपर आपका सेक्शन 5 जो है वो लग जाएगा। किस पर नहीं लगेगा, एग्जीक्यूशन पर नहीं लगेगा और सूट पर नहीं लगेगा, है ना। रिवीजन, रिव्यू, अदर एप्लीकेशन, इन सब पे लग जाएगा लेकिन इन दो पे नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई सेक्शन 5 की। अब जैसे आपको कोई सा भी सूट फाइल करना हो तो आप अपना सेक्शन 5 का डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई मुझे कंडोनेशन ऑफ डिले दो, दूसरी जगह पर आपको डिफेंस मिल रहा है वो अप्लाई करो, बट सेक्शन 5 का डिफेंस नहीं यूज कर सकते। आगे क्या बोल रहा है ये, सफर दिया हमने, अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21, ठीक है। मे बी एडमिटेड, वर्ड क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मे बी, तो मे बी को अंडरलाइन करो सिर्फ, मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड इफ द अपेलेंट और द एप्लीकेंट सेटिस्फाइज द कोर्ट दैट ही हैड सफिशियंट कॉज। सफिशियंट कॉज पर हम आएंगे बाद में, उसके पास अगर सफिशियंट कॉज है तो उसे प्रूव करना पड़ेगी फॉर नॉट प्रिफरिंग द अपील और मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। देखो यहां पर इन्होंने दो वर्ड्स यूज करे हैं विद रिस्पेक्ट टू कोर्ट, पहला वर्ड यूज करा है इन्होंने मे, है ना, और दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं सेटिस्फाई, सेटिस्फाई द कोर्ट, है ना। यहां पर कोर्ट के पास आ जाता है डबल डिस्क्रिशन। सबसे पहले तो मैं कहीं पर यूज करा है वर्ड, लेजिस्लेचर ने कहीं भी वर्ड में यूज करा है तो यहां पर डिस्क्रिशन है कोर्ट का। डिस्क्रिशन का मतलब कोर्ट की मर्जी या कोर्ट की इच्छा, कोर्ट जो चाहे करे, कोर्ट को एक्सेप्ट करना है करे, नहीं करना ना करे, ठीक है। तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन हो गया। अब एक और चीज जो यूज करी है यहां पर, सेटिस्फाई द कोर्ट, सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज यूज करी है एंड दैट इज सफिशियंट, सफिशियंट कॉज, ठीक है। तो आपको यहां पर सबसे पहले तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो आपकी एप्लीकेशन, आपने कोई सफिशियंट कॉज दिया हो या ना दिया हो, चाहे तो आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर दे, मैं यूज करा है तो उसकी मर्जी अलाउ कर दे, ठीक है। सफिशियंट कॉज नहीं देने के बाद भी, सफिशियंट कॉज नहीं दिया तो भी कोर्ट चाहे तो अलाउ कर सकती है। लेकिन ऑन द अदर साइड सफिशियंट कॉज आपने दे भी दिया तो भी कोर्ट चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है, कोर्ट चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है सफिशियंट कॉज देने के बाद भी। इसे हम बोलते हैं कोर्ट का डबल डिस्क्रिप्शन, कोर्ट के पास डबल डिस्क्रिप्शन है अंडर सेक्शन 5, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल कोर्ट को करना क्या है, कोर्ट को करना है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पार्टीज, है ना। यूजुअली क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेक्शन 5 कोर्ट जो है बहुत लिबरल होता है, अलाउ कर देता है। क्यों कोर्ट लिबरल रहता है, कि अभी तक उसका इशू तो कोर्ट के सामने आया ही नहीं है ना, इशू अभी नहीं आया, अभी तो टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर ही चल रहा है ना सारा काम, टेक्निकल है, सेक्शन 5 इज टोटल टेक्निकल, तो सारा काम अभी टेक्निकल एस्पेक्ट पर चल रहा है, उसका इशू तो मेरिट पर आपने सुना ही नहीं, ठीक है। अगर आपने सेक्शन 5 की एप्लीकेशन अलाउ कर दी, है ना, तो आप उसका इशू क्या करोगे, अलाउ करने के बाद मेरिट पर सुनोगे, है ना, और मेरिट के ऊपर जैसा भी आप डिसाइड करो, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेक्शन 5 की एप्लीकेशन डिसअलाउ कर दी, डिसअलाउ कर दी, तब क्या होगा, उसका मेरिट तो आया ही नहीं, तो ये कैसा जस्टिस हुआ, है ना। इस वजह से कोर्ट यहां पर लिबरल रहता है, कोर्ट बोलता है ठीक है भाई सेक्शन 5 में तुम थोड़े बहुत से ग्राउंड भी लेकर आओगे ना तो हम अलाउ कर देंगे। यूजुअली सेक्शन 5 की स्टेज पर कोर्ट अलाउ कर देती है, ठीक है। अब सफिशियंट कॉज का वर्ड जो है इतना लिख लो आप लोग पहले, मैं नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूँ। 5 के अंदर कोर्ट के पास में या तो डबल डिस्क्रिप्शन है,
या फिर हम इसको बोलते हैं कि कोर्ट के पास में कंप्लीट डिस्क्रिशन है, पूरा पूरा डिस्क्रिशन है ना, दोनों ही है, या तो डबल है या फिर कंप्लीट डिस्क्रिशन है, जैसा दिल चाहे कोर्ट का करे। ठीक है, अब देखो जो वर्ड हमारा सफिशिएंट कॉज है, इसको एक्सप्लेन करना इतना ज्यादा आसान नहीं है ना, ये वर्ड सफिशिएंट कॉज डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हर एक केस के अलग होते हैं, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस है ना। सफिशिएंट कॉज वेरी कर जाता है, किसी फैक्ट एंड सर्कमस्टांस पर लग जाएगा और सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर किसी दूसरे केस में नहीं लगेगा, है ना, ये होता है सफिशिएंट कॉज। देखो सफिशिएंट कॉज के अंदर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ठीक है, तो वेरी वेल सफिशिएंट कॉज है, लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट, जैसे ये केस है, यहाँ पर इसको अपील फाइल करना थी, ठीक है, और यहां पर से लेकर यहां तक ये हॉस्पिटलाइज्ड है, ये वाली डेट जो है ये 1 जनवरी थी, ठीक है, और ये 25 दिसंबर से हॉस्पिटल में एडमिटेड है, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ ये 2 जनवरी को, ठीक है। अभी कंप्लीट हॉस्पिटलाइजेशन था इसका, तो 2 जनवरी के बाद में आप ये एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो सबसे पहले भागा हुआ आएगा और 3 जनवरी को कोर्ट में केस फाइल कर देगा, नहीं ना, एक दो दिन का टाइम और दे देंगे इसे, 5 जनवरी तक का टाइम देंगे, ठीक है, यहां पर तक इसका पूरा सफिशिएंट कॉज चल रहा है, ये पूरा इसका सफिशिएंट कॉज है। लेकिन सपोज करो हॉस्पिटलाइज वो ऐसी सर्कमस्टांसेस के लिए नहीं हुआ था जिससे कि वो चल फिर ना सके या फिर कॉन्शियस ना हो, है ना, अनकॉन्शियस नहीं था, वो अनकॉन्शियस नहीं था, बस उसकी रेगुलर चेकअप के लिए था वो हॉस्पिटल, ठीक है, डॉक्टर ने उसको सपोज करो कि किसी यूनानी हॉस्पिटल में एडमिटेड था या फिर आयुर्वेदिक में था, इन हॉस्पिटल्स के अंदर तो इतनी ज्यादा सीरियस नेचर की इंजरी होती नहीं है, है ना, तो फिर इस सर्कमस्टांस के अंदर कोर्ट चाहे तो डिसअलाउ कर दे, है ना, लेकिन यूजुअली एट द स्टेज ऑफ सेक्शन 5 कोर्ट लिबरल रहती है, लिबरल कर देगी कोर्ट आपको, अलाउ करेगी, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम हॉस्पिटल में थे ना, इसमें भी थे, यूनानी और आयुर्वेदिक में भी थे, तो भी हम तुम्हारा सेक्शन 5 जो है अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो सफिशिएंट कॉज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर वेरी करता है, हॉस्पिटलाइजेशन एक हो गया, दूसरा कोई और चीज हो गई, किसी और का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, जैसे यहां पर तो आप खुद ही ए है, ए खुद ही हॉस्पिटल में एडमिटेड था, है ना, अभी क्या हुआ, एक की वाइफ हॉस्पिटल में या फिर मदर हॉस्पिटल में, ठीक है, तो इस सिनेरियो में भी सेक्शन 5 के लिए ये सफिशिएंट कॉज है, ठीक है, उसको लिटिगेशन के बारे में पता ही नहीं था, लिटिगेशन के बारे में जानकारी नहीं थी, अननोन फ्रॉम द लिटिगेशन, और उसके अगेंस्ट में एक्स पार्टे जजमेंट पास हुआ है। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, ए ने, ए वर्सेस बी एक सूट था, है ना, यहां पर सूट इंस्टीट्यूट हुआ, बीच में समन्स भेजे गए, समन्स, पर ये बी को डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है, बट कोर्ट ने बी को एक्स पार्टे कर दिया, बी वॉज एक्स पार्टे, है ना, अभी क्या चल रहा था, सिर्फ ए एंड द कोर्ट, बी तो अपियर ही नहीं हुआ, बिना विदाउट अपियरेंस यहां पर जजमेंट पास हो गया, सिर्फ और सिर्फ ए था, ए अपियर्ड एंड जजमेंट जो है अगेंस्ट बी आ गया, बी को पता ही नहीं है कि उसके अगेंस्ट में कोई लिटिगेशन चल भी रही है, बी के पास में कोई आइडिया ही नहीं, अपील पीरियड भी एक्सपायर हो गया, अपील पीरियड एक्सपायर्ड, ठीक है, अब जाकर बी को पता पड़ा कि भैया मेरे अगेंस्ट में कोई डिक्री आई है, जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तब बी को पता पड़ा कि मेरे अगेंस्ट में कोई डिक्री है, ही वॉज अननोन टू द लिटिगेशन, ठीक है, बोनाफाइड या अनोन होना चाहिए, जानबूझकर भाग रहा हो समन से, समन उसको डिलीवर हो गए हो, उसके सिग्नेचर्स हो, तब भी वो अपियर नहीं कर रहा, तब यहाँ पर ये अनोन वर्ड यूज नहीं कर पाओगे आप, लेकिन सफिशिएंट होना चाहिए कॉज, है ना, सफिशिएंट कॉज मतलब कि बोनाफाइड, जानबूझकर उसने ये नहीं किया, ठीक है, अनोन है लिटिगेशन से, तो दिस इज ऑल्सो अ सफिशिएंट कॉज, कोर्ट आपका सेक्शन 5 जो है अलाउ कर दे। रिसेंटली एक्सप्लेनेशन पर आता हूं मैं, देखिए एक्सप्लेनेशन ये बोल रहा है, द फैक्ट दैट द अपेलेंट और द एप्लीकेंट वॉज मिसलेड बाय एनी ऑर्डर प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन असर्टेनिंग और कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड मे बी सफिशिएंट कॉज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आया या फिर कुछ ऐसा इंटरप्रेट कर लिया उसने जिससे कि उसको उसका टाइम पीरियड या हाई कोर्ट का जजमेंट आया, ठीक है, और हाई कोर्ट के जजमेंट में हाई कोर्ट ने ये लिख दिया कि जो COVID-19 का पीरियड है ना, ये पूरा का पूरा COVID-19 जितने भी टाइम चला हम इसको कंडोन कर रहे हैं, ठीक है, अब इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन तो जो भी निकल रहा था उसने ये निकाल लिया कि COVID-19 के बाद से आज तक का, ये COVID-19 यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर खत्म, ये आज है, आज है 22 दिसंबर, तो भाई साहब ये इंटरप्रेट करके आ गए कि 22 दिसंबर जो है यहां पर तक का पूरा COVID-19 का पीरियड माफ कर दिया कोर्ट ने, ठीक है, और यहां पर इस डेट पर सूट फाइल कर दिया।
अब इनको ये चीज प्रूव करना पड़ेगी कि इन्होंने ये जो इंटरप्रेट करा है ये बोनाफाइडी इंटरप्रेट करा था इन्होंने या इनके वकील साहब, ठीक है, बोनाफाइडी इंटरप्रिटेशन था इनका। अगर ये बोनाफाइडी इंटरप्रिटेशन नहीं होगा तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, बट अगर बोनाफाइडी इंटरप्रिटेशन है तो कोर्ट इसको अलाउ कर देगी। ठीक है, सेक्शन 5 में कोर्ट इतनी लिबरल रहती है कि आपके इंटरप्रिटेशन को भी समझ ले, इतनी लिबरल रहती है, ठीक है, आपके इंटरप्रिटेशन को भी कंसीडर कर ले, ठीक है। लेकिन ये सारे ग्राउंड्स के ऊपर सेक्शन 5 मत लगाना, यूजुअली डिसअलाउ हो जाते हैं। अलाउ कर सकती है, कोर्ट के पास में डबल डिस्क्रिशन एंड कंप्लीट डिस्क्रिशन है, बट इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर हम सेक्शन 5 के साथ में प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं देते हैं सेक्शन 5 को इतना ज्यादा। हम अप्रोच क्या बोलो होगा, इस डेट पर सपोर्ट करो आपका सूट जो है वो डिसमिस हुआ है ना। सूट डिसमिस होने के बाद में अपील फाइल करने का पीरियड था 30 डेज था, मतलब यहां पर 30 डेज एक्सपायर हो रहा है 30th डे, है ना। आप इस दिन तक का राइट है आपके पास में अपील फाइल करने का 30th डे तक का, है ना, बट इस दिन आपने फाइल नहीं करी, गुड नोट फाइल, तो आप इस दिन से लेकर आगे तक का जितना भी डिले है इसको एक्सप्लेन करोगे 30 डेज के बाद का डिले, ठीक है। इससे पहले का डिले एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डिले एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। 30 डेज तो आपका राइट है, ठीक है, कि आप 30th डे पर ही फाइल करो, ठीक है, जहां सूट डिसमिस हुआ है उस दिन से 30 डेज काउंट करो। अब इस 30 डेज के बाद आप अपना जो भी आपका डिले है आप उसको एक्सप्लेन करो। यहां पर कोर्ट नहीं पूछेगी आपसे कि आपने पहले क्यों फाइल नहीं कर दी, इस डेट पर क्यों फाइल नहीं कर दी, इस डेट पर क्यों फाइल नहीं कर दी, ये कोर्ट का राइट नहीं है, ये नहीं पूछ सकती। कोर्ट सिर्फ इतना पूछेगी कि इस डेट पर फाइल क्यों नहीं करी, 30th डे पर फाइल क्यों नहीं करी, बस आपको वही बताना है कि भाई 30th डे पर मैंने इसलिए फाइल नहीं करी, ठीक है। ये है आपका केस लॉ, लिखिए इसको, ये है रामलाल वर्सेस रेवा कोलफील्ड 1962 सुप्रीम कोर्ट, रामलाल वर्सेस रेवा कोलफील्ड 1962 सुप्रीम कोर्ट। एक और चीज है जो मैं पहले बता चुका हूँ रेफरेंस में, बट मैं फिर से वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर प्रेस्क्राइब पीरियड जो है वो एक्सपायर हो रहा था, है ना, पीपी एक्सपायर हुआ यहाँ पर अपील फाइल करने का, और वो यहाँ पर तक हॉस्पिटलाइज था, जजमेंट आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, यहाँ पर तक हॉस्पिटलाइज हो गया। अब क्या हुआ, उसने अपील फाइल करी 10 दिनों के बाद, 10 डेज, ठीक है, इस डेट पर उसने अपील फाइल करी, ठीक है। स्लाइट डिले में ऑल्सो बी एंटरटेन, ठीक है, कोर्ट स्लाइट डिले को भी एंटरटेन कर सकती है। ये 10 दिन का जो डिले है दिस विल बी कंसीडर्ड एज स्लाइट डिले, थोड़ा बहुत डिले हो गया ना ऊपर कोई बात नहीं, अलाउ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटलाइज्ड होकर जब वो घर पर आया है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस दिन वो डिस्चार्ज हुआ उसी दिन या उसके अगले दिन आके सीधा कोर्ट आए, है ना। ह्यूमन बीइंग जो है उसकी दूसरी भी नेसेसिटीज होती है, सिर्फ ये लिटिगेशन नेसेसिटी नहीं है उसकी, कोर्ट में आना नेसेसिटी नहीं है, उसके दूसरे भी नेसेसिटीज होती है। वो अपनी नेसेसिटीज फुलफिल करेगा और फिर नेसेसिटीज फुलफिल करने के बाद में फिर कोर्ट आएगा, ठीक है, 8-10 दिन का। अब देखो 8-10 दिन तो आपका प्लान ड्राफ्ट करने में भी लग जाते हैं, है ना, कि पार्टी जो है वो लॉयर के पास में जाएगी, इसको मैं यहाँ कॉर्नर में लिख रहा हूँ, पार्टी है ये, पार्टी जाएगी लॉयर के पास में, ठीक है, लॉयर इसको समझाएगा कि हम भाई ये कर सकते हैं सरकमस्टांसेस, है ना, 2-3 दिन लॉयर ने ले लिए, 2-3 दिन और टेक्निकल चीजों ने ले लिए, और फिर उसके बाद में जाकर वो 10 डेज के बाद में खड़ा हुआ, तो ठीक है कोर्ट अलाउ कर सकती है, है ना। ऑल दो यहाँ पे कोर्ट के पास में क्या है, डबल डिस्क्रिप्शन है, अलाउ करना हो तो करे, नहीं करना हो तो ना करे, लेकिन जनरली सेक्शन 5 के केसेस के अंदर कोर्ट लिबरल रहती है, जैसा मैंने बताया लिबरल रहती है कोर्ट, तो लिबरल है तो ठीक है 10-15 दिन का 8-10 दिन का डिले अलाउ कर देगी। अब वो जो डिले है वो आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, दैट विल बी सफिशिएंट, बट आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, एंड कोर्ट विल बी लिबरल सो कोर्ट में अलाउ इट। लिमिटेशन एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो इसको अच्छे से कर लेना, इसमें मैं पॉइंट्स डिक्टेट करूंगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स कर लेना, एंड देन योर सेक्शन 5 विल बी ओवर। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस एमएसटी काटी जी एंड अदर्स 1987 सुप्रीम कोर्ट, ना उसको बार बार पढ़ना, और व्हाट मैम आर यू ट्राइंग टू से एनीथिंग।